सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। प्रेस कर लें बेल आइकन को ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। कल आपको दो वीडियो मिले थे, एक एक्सेल का और एक करंट अफेयर का। आज भी दो मिलेंगे, एक ये करंट अफेयर का और उसके बाद एक और कंप्यूटर या GS का। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कंप्यूटर का ही वीडियो भेजूं आज भी और कल GS की क्लास लूं। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो मैं करंट अफेयर की वीडियो में ही दे रही हूँ। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक और शेयर दोनों ज़रूर कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है लास्ट में, अभी इस वीडियो का आज करंट अफेयर आज का यानी 13 अक्टूबर का करंट अफेयर पूरा होने के बाद मैं इसमें लास्ट में चंद्रयान 2 के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो, हर वीडियो, जो भी ये वीडियो नहीं, केवल जितने भी QCL के वीडियोस आते हैं, मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि हर वीडियो को पूरा देखें और शेयर लाइक, हर एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो मैं पूछती हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें मुझे। देखिए, अगर आप अच्छे कमेंट भेजेंगे या मैं जो कहती हूँ वो आप करेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे, खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो अपने टारगेट को अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी पूछे हुए क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई, या मैं इम्पॉर्टेंट डेज कहती हूँ लिखने के लिए तो ज़रूर आप लोग रिप्लाई दिया करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? क्या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को, यानी 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मैंने आपको एक बार राज्य प्रवासी पक्षी दिवस भी बताया था, वो कब बताया है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है जो 12 अक्टूबर को मनाया गया है, तो ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए और उनके प्रति जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब इसकी थीम पूछी जा सकती है, वो याद रख लीजिए, प्रोटेक्ट ऑफ बर्ड्स बी प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी हिंदी में याद रख लीजिए कि जो प्रोटेक्ट ऑफ बर्ड बी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थीम है? प्रोटेक्ट ऑफ बर्ड्स बी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी अगर पक्षियों को संरक्षित रखना है तो उनका संरक्षण करना होगा, यानी उनको बचाना होगा किससे? उसका एक ही समाधान है। क्या समाधान है? प्लास्टिक पॉल्यूशन से उसको, उन प्रवासी पक्षियों को बचाना होगा। अब ये बात आई है अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज की, तो मैं आपको बता तो ज़रूर रही हूँ लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर, प्रवासी पक्षी दिवस आज मैंने बता दिया, आप लोग भी 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट डेज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिसने ये काम कमेंट बॉक्स में लिख के कर दिया, मैं यकीनन उसको मान जाऊंगी कि वो वाकई में अपने लिए और मुझसे जो कुछ सीख रहे हैं वाकई में अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको ये बात मान जाऊंगी। और मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज़ होंगी उन तमाम लोगों को जो ये मेरे कहने पे काम करेंगे, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट डेज ज़रूर लिखिए। चलिए मैं बताती हूँ, एक बार सुन भी लीजिए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 4 अक्टूबर यानी विश्व पशु दिवस, ठीक है,
वर्ल्ड एनिमल डे, 5 अक्टूबर विश्व अध्यापक दिवस, और राज्य अध्यापक दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक, ये अपना राज्य यानी जो अपना नेशनल है वो कब होता है, वो होता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को। और ये विश्व अध्यापक दिवस है ये कब है, 5 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावास यानी वर्ल्ड हेमेटाइट डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, कौन सा एयरफोर्स डे मनाया गया इस बार, 87th, कौन सा 87th। 9 अक्टूबर को इंडियन पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया है जी, बताइए जल्दी से। 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, मेंटल हेल्थ डे, क्या मनाया गया था, मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, मैंने कल ही बताया है, 11 अक्टूबर को थोड़ा याद कीजिए, कल का वीडियो देखिए पहले पूरा, याद कीजिए कल 11 अक्टूबर को मैंने क्या बताया है, 10 और 11 का दोनों का बताया है कल। और 12 अक्टूबर को ये बताया है, कौन सा बताया है 12 अक्टूबर को बताया है आपको, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मैंने 10 और 11 का कल दोनों का बताया, ज़रा बताइए मुझे पूरे कमेंट बॉक्स में, डेल्स लिखिए और इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी दूसरा भारत चाइना अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सम्मेलन शुरू हुआ है, यह गैर औपचारिक भी कह सकते हैं, अनौपचारिक, दूसरा भारत चाइना अनौपचारिक या इनफॉर्मल सम्मेलन शुरू हुआ है, ये कहाँ हुआ है। तो आपको पता है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं श्री जिनपिंग, वो आए हुए हैं भारत, और भारत आए हुए हैं, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, इसको जारी कौन करता है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीबीसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अब भारत में ये हो रहा है दूसरा गैर अनौपचारिक यानी ये गैर औपचारिक भी क्या हो या इनफॉर्मल शिखर सम्मेलन, ये तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है तमिलनाडु में, एक जगह है मामल्लपुरम, क्या है, मामल्लपुरम तमिलनाडु के मामल्लपुरम में, अच्छे से याद हो गया होगा आपको, मुझे पूरे इस बात का यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभी संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्डियन आयोजित किया गया है, भारत और जापान के बीच, आंसर क्या है, भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास यानी एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है धर्मा गार्डियन। याद रखिएगा डी को जैसे एजुकेशन बोलते हैं ना, ऐसी एडुकेशन भी बोलते हैं, एजुकेशन तो एडुकेशन, तो धर्मा गार्डियन जो है ये धर्मा गार्डियन भी कहेंगे, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है जो भारत और जापान के बीच आयोजित की जा रही है। अच्छा ये आयोजित क्यों की जा रही है, तो जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों को साझा करने के लिए ये आयोजित की जा रही है, क्या, भारत जापान धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज। ओके, तो जापान के बारे में मैंने उसे आपको बहुत बार बताया, फिर भी जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, जापान की करेंसी क्या है, येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे, और जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, डाइट। तो इतना आप याद रखिए। अच्छा चलिए 11 अक्टूबर को भी बता देती हूँ आपको, वैसे तो मैं सोच रही थी आप याद करें, 10-11 का मैंने कल एक साथ बताया है, मगर फिर चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, पूरे डेज बताए मैंने, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़, और वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहले राष्ट्रीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में, कहाँ, पहला राष्ट्रीय खेल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, ये इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो हमारे युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू इसका उद्घाटन करेंगे, किसका, पहले राष्ट्रीय खेल
शिखर सम्मेलन का जो नई दिल्ली में हो आयोजित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेती अयोध्या राम राव का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे शिक्षक वाणिज्य। ठीक है, तो जितने भी वाणिज्य मतलब वाणी शिक्षण संस्थान थे, कौन से? जितने भी वाणी शिक्षण संस्थान थे उनके संस्थापक थे और ये चेती अयोध्या राम राव, इनका निधन हुआ है अभी 84 वर्ष की उम्र में, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभारंभ हुआ है, यानी उद्घाटन किया है, ये कहाँ हुआ है? तो शुभारंभ यानी शुरुआत हुई है इसकी अभी नई दिल्ली में। अच्छा, ये क्यों आयोजित की जा रही है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो ये इसलिए कि जो इंडिया का जो ट्रेड है उसको प्रमोशन हो, उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इसलिए इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी सातवां दोहरा शतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो सातवां दोहरा शतक लगाने वाले बने हैं अभी हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। ये कैप्टन्स में ऐसे पहले कैप्टन हैं जिन्होंने 7 सेंचुरी दोहरे शतक लगाए हैं और इनका पहला नाम है विराट कोहली, याद रखना है आपको। ठीक है, इनका विराट कोहली का नाम, सातवां दोहरा शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का अभी सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एस्ले वाटी। ये ऐसी पहली महिला बनी है जिनको जो ऑस्ट्रेलिया की जिनको व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान द डॉन, क्या नाम है? द डॉन, यानी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, व्यक्तिगत है द डॉन, जिससे एस्ले वाटी को सम्मानित किया गया है। ये फर्स्ट वेमेन बन गई हैं इस सम्मान को पाने वाली। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात बताई है कि जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो पर वीक 80% गेम्स में बिजी रहती है, इसीलिए इसको दुनिया की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो इतना आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में अभी राष्ट्रीय 59वीं ओपन चैंपियनशिप एथलेटिक्स, यानी राष्ट्रीय 59वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, उसमें अनुरानी ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय 59वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हो रही है? पहले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ये हो रही है झारखंड के रांची में। कहाँ हो रही है? झारखंड के रांची में। और इस 59वीं एथलीट ओपन चैंपियनशिप में अनुरानी ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। अच्छा, ये अनुरानी ने कैबलियन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये अनुरानी, और अनुरानी को स्वर्ण पदक मिला है। किसमें? 59वीं ओपन एथलीट चैंपियनशिप में। कहाँ हो रही है? ये झारखंड के रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी दुती चंद ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो दुती चंद, इन्होंने भी 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप में, दोबारा सुन लीजिए, 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक ओपन चैंपियनशिप में, ठीक है, जो कहाँ हो रही है? अभी अभी बताया, रांची में। रांची का है, झारखंड में। इसमें दुती चंद ने 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में प्राप्त किया है गोल्ड मेडल, यानी अनुरानी को मिला है गोल्ड मेडल भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में, और इनको किसमें मिला है? दुती चंद को इनको मिला है स्प्रिंट रेस में। इन्होंने 100 मीटर की जो स्प्रिंट रेस थी वो इन्होंने पहले 11.26 सेकंड में
जीती थी। अब इन्होंने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? दुती चंद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट रेस इस बार पूरी की है 11.22 सेकंड में। तो 2.6 था पहले, अब 2.2 है, यानी दुती चंद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और ये 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो झारखंड के रांची में हो रही है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। कैसा लगा आज का आपको करंट अफेयर? चलिए चंद्रयान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चार चार पांच पांच क्वेश्चन रोज ले लेते हैं वरना दो वीडियो के अलावा और वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। अच्छा चंद्रयान वन भी पहले जा, अच्छा चंद्रयान टू कब इस बार? तो 22 जुलाई को, कब? 22 जुलाई को दिन में 2 बजे के आसपास, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम में इसका आपको बताऊंगी बाद में। तो ये चंद्रयान टू को इस बार लॉन्च किया गया। अच्छा कहाँ से किया गया है? तो इसको किया गया है, पहला क्वेश्चन है चंद्रयान टू को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान टू को इस बार जो है आंध्र प्रदेश के सतीश धवन श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया है। इसको किस रॉकेट से, क्वेश्चन आता है किस रॉकेट से भेजा गया है? तो GSLV Mark 1, क्या? GSLV Mark 1 M31 से इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा पहले उत्तरी ध्रुव पर गया था चंद्रयान टू, अब की बार चंद्रयान टू को किस ध्रुव पे उतारा जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर। किस पर को कहाँ, किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये दो थोड़ी सी मामूली सी इन्फॉर्मेशन याद रखिए, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 3-4 वीडियो में रोज देते रहूँगी। वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, अच्छे कमेंट सेंड करें। आज की एक और वीडियो होगी, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।